दिया। लेकिन अब क्योंकि हम ईद पे आ गए हैं तो गो टू डिशेस तीन चार ईद पे आपको क्या लगता है कि भाई हर दस्तरखान में लंच और डिनर में होनी चाहिए? लास्ट फ्यू डेज ऑफ रमजान मैंने यही किया था कि वे स्टार्टेड ईद की चीजें, अच्छा मैं ट्रांसमिशन में बनाना शुरू होगी लोगों को आइडियाज देने के लिए। तो मंदी आई थिंक इज वेरी पॉपुलर, हाँ पॉपुलर हो गई ना चीज जो मतलब ट्रेंडिंग है ना, ये हमने अरब से उठा लिया ऐसे ही है। बस हम भी कुछ थोड़ा सा या शेख हो गए क्या करें। तो प्लस शीर खुरमा वगैरह तो बनता ही है हर घर में, एंड आई थिंक हर घर की थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी होती है, बट आई ट्राइड टू डू डिशेज टूवर्ड्स द एंड जो कि पॉपुलर है, ट्रेंड कर रही हैं, लोग रेस्टोरेंट जाके खाते हैं। तो वो हमने बहुत कोशिश करी कि इस ईद जरा लोग दस्तरखान थोड़ा डिफरेंट करें। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा माँ, हम आपकी ईद की फॉन्डेस्ट मेमोरी क्या है अब तक की? अपने दादा दादी के घर सबसे पहले जाना, क्योंकि और से पहले ईद से पहले एक्चुअली शुरू हो जाती थी, जब तक मेहंदी नहीं लगती थी ना तो ईद नहीं होती थी। और मुझे एक दिन याद है कि शायद बाबा लेट आए ऑफिस और समथिंग लाइक दैट, एंड आई कुडंट गो फॉर मेहंदी, और वो मैंने पूरी चांद रात रो रो के गुजारी, मैंने कपड़े नहीं पहने सुबह उठ के, और जब तक हाँ कि मेहंदी नहीं लगी, ईद थोड़ी होगी मेहंदी के बगैर। और फिर मुझे जाके उन्होंने सुबह मेहंदी लगवाई और फिर मैं तैयार हुई कि हाँ अब ईद है, भले गीली मेहंदी सही लेकिन मेहंदी नहीं लगी तो ईद नहीं। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फॉन्डेस्ट मेमोरीज दैट आई हैव। अच्छा, और हिना ईद के दिन आपकी रूटीन कैसी होती है अमूमन? अमूमन जब से ये बिजी रहती हैं उस पे ईद पे भी मिलते, कहीं दावत में कहीं लोगों ने पकड़ लिया कि यार ये मेरा ये प्रॉब्लम है, ये होता है ईद पे भी हम ही डील कर रही होती। आप यकीन करें कि इस वक्त आज सुबह भी मेरी बहन का फोन आया कि आज भी मिलोगी कि अपने काम पर चली जाओगी? मैंने कहा रहम करो, आज ईद है, आज तो मिल लूंगी, तुम छोड़ो आज मिलेंगे हम। तो ईद यानी इस वक्त ऐसा लगता है कि आप कहीं जा रहे हैं ना तो लोगों ने आपको पब्लिक प्रॉपर्टी समझा हुआ है। हाँ। आप कहीं भी जाएंगे लेकिन ये प्यार भी तो है लोगों का। ये तो है, ये भी आप लकी प्यार है, ये प्यार है, इसीलिए लोग आपके पास आ जाते हैं। लेकिन ईद ऐसा त्यौहार होता है कि हम मैं जाती हूँ, बिल्कुल जाती हूँ, अपनी अम्मी से मिलने ज़रूर जाती हूँ, भाई बहनों के साथ होते हैं हम, और ऐसे ही बस ईद गुजर जाती है। वैसे लेजी होती है ईद क्योंकि इतना पूरा महीना है। और इस बार तो आप लोगों ने माशाल्लाह इतना काम किया है, बिल्कुल ही सन्नाटा लगेगा ईद।